हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन दिस इज मी अनिंदिता। सो आज बेसिकली मैं मतलब विंटर आ गया है, तो विंटर में कोलकाता में बहुत जगह मेला बैठता है, तो मतलब मेला बहुत जगह बैठता है। सो आज मैंने जो मतलब जो मेला घूमने आई हूँ वो इको पार्क के पास ही है, जिसका नाम है हस्तशिल्पो मेला। वो साल में बस एक बार ही बैठता है, और उसमें मतलब बहुत सारा मतलब लोगों मतलब लोग जो काम करते हैं अपना हाथों के चीज़ वही ज़्यादातर बेस्ट है। सो मेरे को पता नहीं, मैं कभी गई भी नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, और मैं जा रही हूँ उधर। पता नहीं कितना भीड़ होगा, क्या होगा। तो अब मैं जा रही हूँ, जाके देखती हूँ एक्चुअली में मेरे को क्या मिला और मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ। सो चलो। इको पार्क का गेट 1 का एक साइड में रास्ता है, जिस रास्ता में मेला का जितना सब मतलब ज़्यादातर जो छोटा छोटा दुकान है वो सब बैठा है, और मेला का जो एक मतलब अंदर बहुत बड़ा एक ग्राउंड है जिसके अंदर पूरा मेला बैठा है। एक्चुअली ये जो मेला है मतलब ये जो रोड साइड के ऊपर जो जितना सारा दुकान है मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मतलब हर एक दुकान में 6-7 जन कर कह रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं आपको दुकान ही क्या दिखाऊँ, मतलब इतना लोग है, इतना लोग है। ये सब जो देख रहे हैं ये सब का प्राइस 150 से लेके 300 तक का है, जो मतलब घर को डेकोरेट करने के लिए आप डोर के दो साइड इसको लगा सकते हो, या फिर कोई और जगह भी इसको आप लगा सकते हो, मतलब जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे जितना सारा दिया ये सब है, ये सब का भी प्राइस 80 से लेके 300 अब तक भी है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये सब छोटा छोटा इसका प्राइस 20, 30, 40, 60 ऐसा है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस है, जिसमें आपको हैंडक्राफ्टेड चीज़ ये सब मिल जाएगा। ये सब मतलब छोटा छोटा चीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये जो बड़ा वाला जो पेंटिंग दिख रहा है, ये वाला पेंटिंग का प्राइस है 600, इससे छोटा छोटा भी है जिसका प्राइस 150, 200, 250 ऐसा है, मतलब जिसको आप लेके घर डेकोरेट करने में मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ हैंडक्राफ्टेड है, तो मतलब उसके हिसाब से ये सब जो दाम है वो बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है। ये सब छोटा छोटा ग्लास मग ये सब 30, 40, 50 ये सब का प्राइस है। फिर इधर पे ये जो आपको हैंडक्राफ्टेड टी शर्ट ये सब दिख रहा है, जिसका प्राइस है 250, 300, 150 बच्चों के लिए है, यहाँ तक कि साइज़ यहाँ पे XL XXL भी है। XL XXL का प्राइस वही कुछ 50-60 रुपीज़ वेरीफाई करता है, बट ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वैसे ही आपको ऐसे बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा जिसका प्राइस मतलब कुछ कुछ चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, और कुछ कुछ चीज़ का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट। जैसे कि ये वाला पेपर कूलिंग का प्राइस 10,000 है, जो कि मतलब थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट है किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, खास करके मेरे लिए तो है। फिर उसके बाद ऐसे बम्बू स्टिक का काम ये सब, मतलब ऐसे ही बहुत सारा यूनिक चीज़ आपको देखने को मिल। मेला इतना ज़्यादा ही बड़ा है कि घूमते घूमते मेरा पैर ही दर्द हो गया। फिर उसके बाद आके मैं खाने के शॉप के पास आ गई। फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वाला पीठा देखा, जो कि मतलब पहले दिनों में जैसे करके बनाते थे, जैसे मतलब चावल को जैसे पीसते थे वैसे करके ये लोग पीस रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है। फिर यहाँ से मैंने कुछ पीठा खरीदा, खरीद के फिर उसके बाद मैं आपको इधर पे मैंने पीठा ले लिया, जो कि लिखा है कि हारिए जावा बांग्लार पीठे से, मतलब ये इनका अभी टाइटल है जो अभी खो चुका है, जो अभी पीठा ले लिया, जिसको शायद इसको बोलते हैं पार्टी शॉप। था यहाँ पे मैंने ले लिया ये लोटे फ्राई और ये भेटकी का कोबी रची। सो अब इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ज़्यादा खास नहीं, बस ठीक ठाक है। तो अभी मैंने ले लिया ये दूसरा वाला, इसको ट्राई करके देखते हैं। ये थोड़ा रबड़ी रबड़ी जैसा लग रहा है।